Hello everybody, welcome to my channel. We will be continuing with our subject estimation and costing. Today we are going to discuss bar bending schedule for column. Now here we can see a footing. अब हम यहाँ पे एक कॉलम भी देख रहे हैं. पहले हम फुटिंग रीइन्फोर्समेंट की बात करते हैं. सो यहाँ पे नीचे पे आपको ये वाले बार्स जो दिख रहे हैं उन्हें हम लॉन्गिट्यूडनल बार्स कहते हैं, जो इस तरह से लेंथ पे प्रोवाइडेड हैं. लॉन्गिट्यूडनल बार्स के ऊपर जो ये स्ट्रेट बार्स प्रोवाइड किए गए हैं उसे क्या कहते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील. सो फुटिंग में हमारे पास क्या हो गए, दो टाइप के बार्स. एक हो गए मेन बार्स जो इस तरह से लॉन्गिट्यूडनली प्रोवाइडेड हैं, लॉन्गिट्यूडनल मेन बार्स. एंड लॉन्गिट्यूडनल बार्स के ऊपर जो ये परपेंडिकुलर प्रोवाइड किया गया है वो क्या है हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील. सो फुटिंग में क्या हो गए दो, एक तो हो गया लॉन्गिट्यूडनल बार्स और दूसरा हो गया डिस्ट्रीब्यूशन स्टील. नाउ कॉलम में हम क्या देख पा रहे हैं, कॉलम में ये मेन बार है हमारे. यहाँ पे हमारे पास कितने मेन बार्स हैं, हमारे पास यहाँ पे चार मेन बार्स हैं. कॉलम रीइन्फोर्समेंट की बात करें तो चार मेन बार हैं. कॉलम को टाई करने के लिए हम क्या कर सकते, क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे, लेटरल टाइज. वैसे तो हम इसे स्टिरप्स ही कहते हैं, पर बीम में हम इसे स्टिरप्स कहते हैं और कॉलम में हमें बुक्स में ये देखने के लिए मिलेगा कि इसे हम लेटरल टाइज बोल रहे हैं. तो कॉलम में क्या है, चार मेन बार और ये लेटरल टाइज. सो हैव प्रिपेयर BBS फॉर अ कॉलम विद फॉलोइंग डिटेल्स. साइज ऑफ कॉलम इक्वल्स टू 400 mm × 400 mm. This means this is a squared column. Depth below ground level equals to 1 meter. This means कि column ground level से कितना अंदर तक गया है, 1 meter तक. Plinth level equals to 300 mm above ground level. Height of ceiling above plinth level equals to 3.5 meter. So यहाँ पर हमारे पास column का sectional elevation है और ये इसका सेक्शनल प्लान है. सो क्या बोला है कि कॉलम ग्राउंड लेवल से कितना अंदर तक है, 1 meter तक. तो यहाँ पे दिखा रखा है 1000 mm दिस, ओके. और क्या बोल रखा है, प्लिंथ लेवल ग्राउंड लेवल से कितना ऊपर है, 300 mm ऊपर है. और क्या बता रखा है हमें, हाइट ऑफ सीलिंग अबव प्लिंथ लेवल इज 3.5 meter. प्लिंथ लेवल से कितना ऊपर तक है हमारा कॉलम, 3.5 meter, 3500 mm. एंड साइज ऑफ कॉलम 400 mm × 400 mm. दिस मीन्स दिस इज़ द विड्थ एंड द डेप्थ ऑफ द कॉलम इज सेम, स्क्वायर कॉलम. डिटेल्स ऑफ रीइन्फोर्समेंट, कॉलम में मैंने आपको क्या बताया, कॉलम में क्या होते हैं, मेन बार्स और लेटरल टाइज. अभी ये कॉलम की बात कर रहा है, सो इस पार्ट की. तो कॉलम में क्या बोला मैंने, मेन बार और लेटरल टाई. ये तो मेन बार हमें बता रखा है, कितने हैं मेन बार, बोला है चार मेन बार हैं 25 mm डाया के. लेटरल टाइज के बारे में बोला है 8 mm डाया एट 300 mm सेंटर टू सेंटर. सो यहाँ पे ड्राइंग में भी देख पा रहे हैं आप कि ये वाली जो ये दिखा रखा है, चार मेन बार 25 mm डाया और ये हो गए हमारे लेटरल टाइज. और लेटरल टाइज कितना दे रखा है, 8 mm डाया 300 mm सेंटर टू सेंटर. अब बात करते हैं फुटिंग की. तो साइज ऑफ फुटिंग बोल रखा है 2.1 meter × 2.1 meter. मतलब यहाँ इस फुटिंग का साइज़ हमें ये दे रखा है 2.1 meter × 2.1 meter. दिस इज़ अ स्क्वायर कॉलम, इसलिए इसका जो ये फुटिंग का साइज़ है वो लेंथ और ब्रेथ सेम है. अगर ये रेक्टेंगुलर कॉलम होता तो लेंथ इसमें बड़ा होता और विड्थ इसका छोटा होता, बट क्योंकि ये स्क्वायर कॉलम है तो इसमें क्या बोल रखा है, 2.1 meter × 2.1 meter. ओके, सो साइज ऑफ फुटिंग इज़ क्लियर. सेक्शनल प्लान में भी आप देख सकते हैं, ये प्लान हो गया हमारा, मतलब ऊपर से हमें कुछ इस तरह से दिखेगा. जैसे ये है हमारा कॉलम,
ये हमारा कॉलम है, तो इसका प्लान ऊपर से देख कैसे दिखेगा, सिर्फ ये बार्स दिखेगा, नीचे से हमें ये मेन बार्स दिखेंगी, नीचे मेन बार्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन बार्स प्रोवाइडेड है, तो सिर्फ इतना दिखेगा हमें अपने सेक्शनल प्लान में, और प्लान में यहाँ पे बीच में जो हमारा ये कॉलम प्रोवाइडेड है ये दिखेगा, ये पार्ट जो हमें हमने प्रोवाइड किया है कॉलम, तो उसका साइज दे बता रखा है यहाँ पे ये कॉलम। ओके, नाउ साइज ऑफ फुटिंग मैंने आपको बता दिया, थिकनेस ऑफ फुटिंग हमारी क्या है, यूनिफॉर्म है तो 300 mm है। रीइंफोर्समेंट क्या है, रीइंफोर्समेंट 12 mm फाई एट 200 mm सेंटर टू सेंटर बोथ वेज। क्या मतलब है, यहाँ पे हमने दोनों साइड बार्स प्रोवाइड की है, एक लॉन्गिट्यूडनली और एक वर्टिकल जो इसके परपेंडिकुलर है, तो इन बार्स का डाया कितना है 12 mm, और बोथ वेज प्रोवाइड किया गया है, तो जो दोनों साइड दोनों मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन बार और मेन बार जो नीचे प्रोवाइड किए, उन दोनों का डाया कितना है 12 mm। दोनों साइड्स बार प्रोवाइड किए इसलिए उसने कहा है बोथ वेज, तो दोनों साइड्स पे जो दो बार प्रोवाइड किया है उन दोनों का ही कितना डाया है 12 mm। लास्ट में यहाँ पे क्या दे रखा है, एज्यूम दैट मेन बार्स ऑफ कॉलम एक्सटेंड बाय 12.5 लिटरली इनटू द 130 mm थिक स्लैब। सो इसका मतलब क्या है, जो हमारी ये मेन बार है वो किसके अंदर जा रही है, 130 mm थिक स्लैब के अंदर जा रही है, और लिटरली अंदर जाके कितना एक्सटेंड कर रही है 12.5, तो ये इस तरह से स्लैब के अंदर गई और कितना एक्सटेंड करा 12.5। सो मूविंग ऑन, वी एज्यूम लेटरल कवर टू लेटरल टाइज 40 mm, क्लियर कवर टू बार्स इन फिटिंग 50 mm, लेटरल टाइज आर हुक्ड अराउंड द मेन बार्स फॉर अ लेंथ ऑफ 16.5। फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ मेन वर्टिकल बार। हमारी मेन वर्टिकल बार क्या हो गई, यहाँ से यहाँ तक नीचे तक पूरी, तो इस पूरी लेंथ को मैं कैसे कैलकुलेट करूँगी, 3500 mm प्लस 300 mm प्लस 1000 mm इतना ऐड कर दिया हमने। फिर हम इसमें क्या ऐड करेंगे, ये इस स्लैब के अंदर तक गई है ये हमारी मेन बार, और ये मेन बार कितना एक्सटेंड कर रही है 12.5, तो हम इसको भी ऐड करेंगे पूरी लेंथ कैलकुलेट करने के लिए। सो 12.5 प्लस 3500 प्लस 300 प्लस 1000 mm, और इस फुटिंग के अंदर जब ये गई है तब भी कितना एक्सटेंड कर रही है 12.5, तो इसमें एक और 12.5 हमारा ऐड हो जाता है। हम डिडक्ट क्या करेंगे, हम फुटिंग का जो ये क्लियर कवर है, ये क्लियर कवर जो फुटिंग का है उसे डिडक्ट करेंगे, और क्या डिडक्ट करेंगे हम, ये इस फुटिंग में जो ये बार्स प्रोवाइडेड है इसका डाया डिडक्ट करेंगे, और ये बार्स दोनों साइड प्रोवाइड है इसलिए हम उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर्मूले में आपको अच्छे से समझ आएगा, हाइट ऑफ कॉलम अबव प्लिंथ लेवल प्लस डिस्टेंस बिटवीन प्लिंथ लेवल एंड ग्राउंड लेवल प्लस डेप्थ बिलो ग्राउंड लेवल। यहाँ से यहाँ तक हमने पूरा ऐड किया, 3500 प्लस 300 प्लस 1000 mm। फिर क्या बोल रहा है, क्या डिडक्ट करने के लिए बोल रहा है, क्लियर कवर फॉर फुटिंग रीइंफोर्समेंट। इस फुटिंग में जो ये क्लियर कवर प्रोवाइडेड है इसको हमें डिडक्ट करना होगा, तो वो कितना है हमारे पास 50 mm, क्लियर कवर टू बार्स इन फिटिंग 50 mm, तो 50 mm हम डिडक्ट कर रहे हैं। फिर क्या बोल रहा है, क्या डिडक्ट करेंगे, 2 into डाया ऑफ बार फॉर फुटिंग। हम यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो इस लाइन तक हम कैसे पहुँच पाएंगे, क्लियर कवर को भी डिडक्ट करेंगे और ये जो बार्स प्रोवाइडेड है इसका डाया भी डिडक्ट करेंगे। सो इन बार्स का डाया हम डिडक्ट कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बार्स दोनों साइड से प्रोवाइडेड है, इसलिए 2 into डाया ऑफ बार फॉर फुटिंग प्लस 12 into डाया ऑफ मेन बार इन स्लैब प्लस 12 into डाया ऑफ मेन बार इन फुटिंग। सो
ये क्या है, हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि ये बार हमारी जो ये मेन बार है वो 130 mm थिक स्लैब के अंदर गई है और कितना एक्सटेंड कर रही है, 12 phi। तो पूरी लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हम इस 12 phi को ऐड करेंगे। नीचे भी हम देख पा रहे हैं कि हमारी जो ये मेन बार है वो फुटिंग के अंदर गई है और कितना एक्सटेंड कर रही है, 12 phi। तो हम इसको भी ऐड करेंगे। तो टोटल लेंथ हमारी कैसे आ जाएगी, टोटल लेंथ हमारी ऐसे आएगी 3500 प्लस 300 प्लस 1000 प्लस दिस 12 phi प्लस दिस 12 phi। डिडक्ट क्या करेंगे, नीचे का जो ये क्लियर कवर है और नीचे की बार्स का जो डाया है। सो आई होप दिस होल फॉर्मूला इज़ क्लियर टू यू एंड दिस गिव्स, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज़ वी गेट 5326 mm एज द लेंथ ऑफ मेन वर्टिकल बार। Now length of one lateral tie equals to 4 into side of column minus 2 into clear cover to lateral ties minus 2 into phi of lateral ties plus 16 into phi of lateral ties. So 4 into side of column kya hai hamari 400, clear cover to lateral ties kya hai hamare paas 40 mm aur 2 into phi of lateral ties, lateral ties ka dia kya hai 8 mm प्लस क्या कर रहे हैं 16 इंटू फाइव ऑफ लेटरल टाइज, लेटरल टाइज का डाया 8 mm। सो दैट इज़ 1344 mm लेंथ ऑफ वन लेटरल टाई। नाउ नंबर ऑफ लेटरल टाइज इक्वल्स टू 4726 डिवाइडेड बाय स्पेसिंग बिटवीन सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बिटवीन द लेटरल टाइज प्लस 1 and this is 17. Length of one bar in footing equals to size of footing minus 2 into end cover. So size of footing हमें क्या दे रखा था, 2.1 meter. So 2.1 meter means 2100 mm minus 2 into end cover is 50 mm. This gives 2000 mm length of one bar in footing. So इसका मतलब क्या है, इस एक बार की लेंथ क्या आ गई 2000 mm। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि नंबर ऑफ बार्स इन फुटिंग कितने हैं। तो एक बार की लेंथ डिवाइडेड बाय स्पेसिंग हमें जो गिवन है प्लस 1, तो कितना इंटू टू क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि बार्स दोनों साइड से प्रोवाइडेड हैं। सो 22 bars। So now we have calculated the length of main vertical bar, length of one lateral tie, length of one bar in footing and the number of bars in footing. So अब हम अपना BBS बनाते हैं। So BBS में हमें क्या क्या शो करना पड़ेगा, एक तो हमें कॉलम के बारे में दिखाना पड़ेगा और दूसरा फुटिंग रीइंफोर्समेंट। कॉलम में क्या हो जाती है, मेन बार्स आ जाती है और लेटरल टाइज मैंने बताया था आपको। मेन बार्स मैंने आपको बताया था 25 mm के हैं और 4 प्रोवाइड किए गए हैं। लेटरल टाइज का डाया 8 mm था और हमने कितना कैलकुलेट करे, लेटरल टाइज रिक्वायर्ड हेयर 17। सो 17 ओके। लेंथ ऑफ मेन बार हमने कैलकुलेट करी वो हमने यहाँ मेंशन कर दिए और लेंथ ऑफ लेटरल टाइज जो हमने कैलकुलेट करी वो यहाँ पे मेंशन कर दी है। अब नंबर से हम लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल लेंथ आ जाएगी। ठीक है, नंबर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया लेंथ को तो टोटल लेंथ, और ये टोटल लेंथ किस में है, मीटर में। ओके, सो टोटल लेंथ आ गई है हमारे पास। अब क्या कैलकुलेट करते हैं हम, वेट पर मीटर लेंथ। वेट पर मीटर लेंथ कैसे कैलकुलेट करते थे हम, डी स्क्वायर बाय 162, वेयर डी इज़ द डाई ऑफ दैट पर्टिकुलर बार। तो यहाँ पे 25 square by 162 इक्वल्स टू 3.85 एंड 8 square by 162 इज़ 0.39। सो अब हम टोटल लेंथ से वेट पर मीटर लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा टोटल वेट रिक्वायर्ड। उसी तरह से हम लेटरल टाइज में करेंगे, टोटल लेंथ मल्टीप्लाइड बाय वेट पर मीटर गिव्स टोटल वेट। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट
फुटिंग रीइंफोर्समेंट। सो फुटिंग पे जो डाया, फुटिंग पे जो बार्स हमने प्रोवाइड किए हैं उसका डाया क्या है 12 mm, और नंबर ऑफ बार्स कितनी हो गई 11 + 11 = 22। इसका क्या मतलब है, हमारी नंबर ऑफ बार्स इन फुटिंग कितना आए 22, और मैंने क्या कहा था जो फुटिंग में दोनों साइड से बार प्रोवाइडेड है, मतलब यहाँ पे हमने जो ये इस तरह से बार प्रोवाइडेड है वो 11 है, और इसके ऊपर जो प्रोवाइडेड है वो 11 है, तो 11 + 11 = 22। सो 11 + 11 = 22 नंबर ऑफ बार्स। लेंथ कितनी आई थी हमारे वन बार की 2000, सो 2000 × 22 गिव्स टोटल लेंथ 44 meters। नाउ वेट पर मीटर, वेट पर मीटर कैसे कैलकुलेट होगा, d² / 162, 12² / 162 = 0.89। 0.89 आ गया हमारा वेट पर मीटर लेंथ। नाउ व्हेन वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई द टोटल लेंथ विद द वेट पर मीटर लेंथ, दैट विल गिव द टोटल वेट रिक्वायर्ड फॉर फुटिंग रीइंफोर्समेंट। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू, और बार बेंडिंग शेड्यूल फॉर अ कॉलम आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।